अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपने मेरा CBD फॉर OCD वाला वीडियो देखा है, या फिर आपने सर्च किया है कि एंग्जाइटी का क्या करें। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एंग्जाइटी फेस की है। एंग्जाइटी है क्या? टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन। हम सब ने ये फेस किया है कि कभी कुछ चीजें होती भी नहीं है और हम उनके बारे में सोच सोच के खुद को इतना परेशान कर लेते हैं जिसकी कोई जरूरत भी नहीं होती। और वो होता है एंग्जाइटी का एक बहुत ही छोटा पार्ट। अब जिनको एंग्जाइटी जैसी मानसिक बीमारियां हैं, उनके लिए वो पार्ट हर दिन होता है, हर चीज के बारे में होता है। उनके दिमाग में पूरे टाइम कोई डर होता है, वो नर्वस रहते हैं, सोचते रहते हैं, हर टाइम वो किसी ना किसी डर में रहते हैं। और इतनी एंग्जाइटी जब उनमें हो जाती है तो आता है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। और स्ट्रेस बाकी मानसिक बीमारियों को बुलावा भेजता है कि तुम भी आ जाओ। एंग्जाइटी अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है तो एंग्जाइटी अटैक भी आ सकते हैं। एंग्जाइटी अटैक में आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, आप बेहोश भी हो सकते हैं और सर दर्द इतना खतरनाक ही हो सकता है वो कई दिन ना जाए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एंग्जाइटी को पकड़े कैसे, मतलब समझ कैसे आए कि ये एंग्जाइटी ही है, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि एंग्जाइटी के लक्षण क्या है। होठ चबाना, बेचैनी में पैर हिलाना, बार बार बालों को हाथ लगाते रहना, पसीना आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बार बार वॉशरूम जाना, लगातार प्यास फील करना और माथे पे बहुत सारी रेखाएं होना। पुराने लोग भी कहते थे कि जिसके माथे पे ज्यादा रेखा होती है वो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है। हर चीज बहुत जल्दी जल्दी बोलना, जैसे कि किसी ने कहा हो कि सब कुछ एक सेकंड में ही बताना है पर किसी ने कहा नहीं है। और अगर आप बहुत जल्दी नहीं बोलते, थकलाना, तुतलाना, आपकी स्पीच में नई नई प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अगर आप पहले ठीक तरीके से भी बोलते थे तो ये नई प्रॉब्लम्स अपने आप डेवलप होने लग जाती हैं, क्योंकि इंसान बहुत नर्वस होता है। और जिस इंसान को एंग्जाइटी होती है वो बहुत ही जल्दी टेंशन में आता है, बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाता है और बहुत ही जल्दी कुछ कर बैठता है। होता यह है कि जब इंसान के दिमाग में इतनी ज्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, इतना ज्यादा थॉट्स होते हैं तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे करना क्या है। तो उसको जो सबसे पहली चीज दिखती है, जो वो कुछ भी कर लेता है, जो कई बार जो सबसे बेवकूफी वाली चीज होती है वो भी। ढंग से नींद ना आना, हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करना जबकि कोई मैसेज, कोई फोन कॉल नहीं आया है, बस बार बार फोन चेक करना, बहुत ज्यादा खाना और किसी चीज से बहुत ज्यादा डरना, और सबसे बड़ी चीज ओवरथिंकिंग। इतनी ओवरथिंकिंग कि आपको लगने लगे कि आपका सर फट जाएगा, उतनी ओवरथिंकिंग। ये है एंग्जाइटी के सबसे कॉमन साइंस, पर एंग्जाइटी के साइंस हर इंसान से दूसरे इंसान में अलग अलग हो सकते हैं। और अगर आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है तो उसे और मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो मैंने सोचा कि बात इतनी आगे पहुंचने ही नहीं देते हैं, सीधा आपको बताती हूँ कि आप खुद अपनी एंग्जाइटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एंग्जाइटी की भी एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT होती है। तो अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसे एंग्जाइटी है या फिर आपको खुद को एंग्जाइटी है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंग्जाइटी में आप खुद की मदद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपकी एंग्जाइटी की CBT में होता है माइंडफुलनेस। मैं दिसंबर में बैंकॉक में थी और वहाँ ये बहुत ही सुंदर लाल बिल्डिंग है जहाँ मैं एक बुद्धिस्ट मंक से मिली। तो उन्होंने मुझे 3 चीजें बताई जो एंग्जाइटी में बहुत हेल्प करती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है रॉक एंड रोल ब्रीदिंग का। उस कॉन्सेप्ट के तहत आपको सबसे पहले तो कहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठिएगा, कमर सीधी रखिएगा, अपना राइट हैंड आप अपने पेट पे रखिएगा, और मतलब पेट दबाना नहीं है, जस्ट प्यार से जेंटली अपने पेट पे अपना हाथ रखिए। अब गहरी सांस लीजिए, और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो जब भी हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा पेट फूल जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। उसको थोड़ी देर रखिए रखिए और धीरे धीरे फिर सांस बाहर निकालिए। तो जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपका पेट भी अंदर जाना चाहिए। तो ये हमें फोर्स नहीं करना है, जब आप पहली बार करेंगे तो इसमें शायद हो सके हम गलत तरीके से करें, पर ध्यान रखिए एकदम रिलैक्स होके सांस लेनी है। गहरी सांसें लीजिए, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, और ये आपको दिन में कम से कम 20 बार करना है। आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप ये करेंगे
पाँच छः मिनट बाद आपके शरीर में अपने आप पॉजिटिव एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपका मूड अपने आप पहले से ज़्यादा काम हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो अभी करके देख लीजिए। पर ये तो है जस्ट पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है थोड़ी ज़्यादा दिमाग वाली और ज़्यादा प्रैक्टिस वाली। आप दिन में जो भी चीज़ें करते हैं आपको उन्हें सिंपल स्टेप्स में तोड़ना है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ इस पे होना चाहिए कि मैं पेन खोल रही हूँ, मैंने पेन को कागज़ पे रखा, अब मैं ये सेंटेंस लिखूँगी। उसके बाद मैं दूसरा सेंटेंस क्या लिखूंगी। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि एंग्जाइटी में दिमाग को एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोचने की आदत पड़ चुकी होती है और वही आदत तोड़नी है। अगर आप कम थॉट्स लाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप एंग्जाइटी कम होती जाएगी। एंग्जाइटी तभी होती है जब एक साथ हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच तो लेते हैं पर कुछ ही नहीं पाते, तो वो नहीं करना है। अपने माइंड को कम सोचने के लिए ट्रेन कीजिए। तीसरी चीज हमें करनी है तब जब हम बहुत ही स्ट्रेस महसूस करें। अपने हाथ को टाइटली, सबसे पहले तो अपना हाथ स्ट्रेट रखिए, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को इस तरह एक मुट्ठी में कन्वर्ट करेंगे। अब इस मुट्ठी को टाइटली ग्रास्प कीजिए, काफी देर तक होल्ड कीजिए और अपना सारा गुस्सा इस मुट्ठी में ले आइए। और अब इस मुट्ठी से किसी को पंच मत कीजिएगा। इसे धीरे धीरे, जैसे हमने धीरे धीरे उंगलियों से इसको बंद किया था, पहले उंगलियां खोलिए फिर अंगूठा और धीरे से पूरी मुट्ठी खोल दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपकी सारी टेंशन रिलीज हो गई है। तो ये तीन एक्सरसाइजेस हम जितनी ज़्यादा करेंगे हमें उतनी बेहतर आती जाएंगी। तो ये थी CBT वीडियोस के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट से मिलने लगी तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला, पता है क्या, मैं तुम्हें तीन चीजें बताऊंगी जो एंग्जाइटी में फुल प्रूफ काम करती है। मतलब कई बार ऐसा होगा कि जिंदगी में तुम्हें कुछ चीजें मुफ्त में मिलेंगी और फिर भी तुम उनके लिए बाद में पैसे दोगे। माइंडफुलनेस एक कला है सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि आजकल हम लोग अपना दिमाग नहीं चलाते, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारे थॉट्स हमें चलाते हैं। हमारा अपने खुद के दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं है। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितने बेहतर होते जाएंगे आपका अपने दिमाग पे उतना अच्छा कंट्रोल होता जाएगा। आपको ये तीनों एक्सरसाइजेस दिन में कम से कम 10-15 मिनट रोज करनी चाहिए। आप जितना ज्यादा करेंगे आपको उतने फायदे होंगे, बट आपको ये रेगुलरली करना है। आपकी CBD का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये गाना। गाने का नाम है वेटलेस बाय मैक्रोनी यूनियन और आप इसको YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं। इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तो इसे जाके सेव कीजिए, डाउनलोड कीजिए और एक हैबिट बनाइए कि आप इसे अल्टरनेट डे पे सुने। क्यों? क्योंकि ये गाना साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि इस गाने को सुनने से आपकी एंग्जाइटी 60% से लेकर 80% तक कम हो सकती है। इसका कारण ये है कि म्यूजिक आपके अंदर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न कर सकता है। जब आप एकदम पार्टी वाला सॉन्ग सुनते हैं तो पार्टी करने का मन करता है, उदास सॉन्ग सुनते हैं तो आप उदास फील करते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर सॉन्ग है उसको इस तरह से ही बनाया गया है कि आप काम महसूस करें। इस गाने में वही बीट्स यूज की गई हैं जो माइंड को शांत करती हैं। जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस महसूस करें इस गाने को सुनिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है एंजाइटी मैनेज करने का, तो प्लीज 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 इस गाने को सुनने की हैबिट डालिए। ये कोई इंटरेस्टिंग गाना नहीं है, ये ट्रेंड भी नहीं हो रहा, ना ही इसे आपके फेवरेट पॉप स्टार ने गाया है, पर अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपको एंजाइटी में काफी हेल्प होगी। और सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला स्टेप है 3, एक्सपोजर। आपकी CBD में बाकी जो भी पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेस कम करेंगे, आपके तनाव को कम करेंगे,
पर अगर कोई स्टेप ऐसा है जिससे आपकी एंग्जाइटी ही निकल जाएगी तो वो एक ही स्टेप है, एक्सपोजर। सीधी सी बात है, आपको जिस चीज़ का डर लगता है आपको वही चीज़ करनी है। अगर आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अनकंफर्टेबल लगता है तो आपको नए लोगों से मिलना है। अगर आपको पानी में जाने से या पानी में डूबने से डर लगता है तो स्विमिंग सीखनी है। अगर आपको ये डर लगता है कि आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो जो आप खराब चीजें कर रहे हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब खत्म करना है। सीधी सी बात है, आपको वो चीज करनी है जिससे आपको डर लग रहा है, आपको वो चीज करनी है जिसके कारण आपको एंग्जाइटी मिल रही है। ऑब्वियसली ये आसान नहीं होगा, जब आप ये करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेस टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए आप CBT के बाकी स्टेप्स यूज़ करके उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। पर अगर आपको एंग्जाइटी को जड़ से ही निकालना है तो आपको अपने डर का सामना करना ही होगा। पर हाँ, जब आप ये चीज़ें शुरू करेंगे तो हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाए, और जैसे ही आपके दिमाग में टेंशन आने लगे, आपको लगे कि एंग्जाइटी वापस आ रही है। चौथी चीज है स्विमिंग। अगर आपका डर ही पानी है तब तो ये बेस्ट है, क्योंकि तब अपने फियर को फेस करने के लिए आपको स्विमिंग सीखनी ही चाहिए, खासकर अगर आप अपनी एंग्जाइटी हटाना चाहते हैं। पर अगर आपको स्विमिंग ऑलरेडी आती है या फिर अगर आपका पानी फियर नहीं भी है तो भी स्विमिंग एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। एक अच्छी कसरत होने के साथ साथ स्विमिंग से आपके माइंड को शांति मिलती है, तो स्विमिंग करने की आदत भी डालिए। ये प्रूव हो चुका है कि खासकर एंग्जाइटी में स्विमिंग करने से आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आए, उठिए और निकलिए। कुछ भी करिए, वहां बैठे मत रहिए, उस बारे में मत सोचिए, निकलिए। मतलब सही में आपको उठना है, बाहर जाके लॉन में घूमिए, दोस्त को कॉल कीजिए, कोई और काम कीजिए, जाके पानी पीजिए। एंग्जाइटी में आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि एंग्जाइटी में आप इतने नर्वस फील करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रेटेड रह सकते हैं। जाके पानी पीजिए, और कोई काम नहीं है तो सही में जाके पानी पी लीजिए। पर आपको वहां बैठना नहीं है। होता क्या है, एंग्जाइटी में जैसे ही आपके दिमाग में टेंशन आती है आप उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं और वो आगे वैसे ही चलता रहता है और आपके दिमाग में चालू हो जाता है सर दर्द। तो सर दर्द बचाने के लिए उस बारे में सोचिए ही मत। जैसे ही आपके दिमाग में वो ख्याल आए, कुछ भी कीजिए पर वहां से निकलिए। और इस स्टेप के लिए आपको खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही आप खुद के दिमाग में ऐसी कोई टेंशन आते हुए पकड़े, उठिए और कुछ और करिए। अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी एंग्जाइटी को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे, जो कि इस स्टेप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है आपकी CBT का लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप। पर क्योंकि ये लास्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अपनी टेंशन को अंदर नहीं रखना है, उसे जाहिर कीजिए। किसी से बात कीजिए, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एंग्जाइटी में शुरू में हो सकता है कि आपको किसी से बात करने में भी डर लगता हो, तो मत कीजिए। इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपकी एंग्जाइटी क्या है, आपको किन चीज़ों से डर लगता है, आप किन चीज़ों में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपकी एंग्जाइटी के साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, आप उस चीज़ के बारे में कितना सोचते हैं, जब वो ख्याल आता है तो आप क्या करते हैं। एक प्रोसेस बनाइए कि आपकी एंग्जाइटी कैसी दिखती है और फिर उसको जाहिर कीजिए। वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, पेपर पे लिखिए, कुछ भी करिए, पर अपनी एंग्जाइटी को रैंडम मत रहने दीजिए। उसको ऑर्गेनाइज करिए, उसको एक मटेरियल का फॉर्म दीजिए, और तभी हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारा दिमाग कैसे फंक्शन कर रहा है, उसे चेंज कर पाना और मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करिए। और अब ये बात मुझे उनसे करनी है जिन्हें खुद एंग्जाइटी नहीं है, पर आप किसी को जानते हैं जिसे एंग्जाइटी है। तो छोटा सा फर्क है जो हमें समझना होगा। एक होता है किसी की मदद करना और एक होता है चीजें बिगाड़ देना।
मतलब करने तो हम यहाँ भी मदद ही चले थे पर हमने चीज़ें और बिगाड़ दी। एंग्जाइटी में या फिर किसी भी मानसिक बीमारी में ये बिगाड़ने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि जब किसी की मानसिक सेहत खराब होती है तो उसे और खराब कर देना बहुत आसान होता है। तब हम जो छोटी छोटी बातें बोलते हैं जो हमारे हिसाब से बहुत सही है पर वो सामने वाले के लिए सही नहीं होती। यार तू हमेशा इस बारे में बात क्यों करता है, अच्छा कोई और बात कर, छोड़ ना कुछ खाने चलते हैं, छोड़ ना पार्टी करते हैं, ये नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे देश में मानसिक बीमारियों को अभी उतनी सीरियसली नहीं देखा जाता है। तो अगर कोई आपको कुछ बता रहा है कि यार मुझे ये मेंटल डिजीज है, तो प्लीज उन्हें ये मत बोलिए कि देख यार पका मत, ये मत कहिए कि सुन तू सोच ही मत, मतलब वाओ, अगर वो उस चीज के बारे में सोचता ही नहीं तो उसे एंग्जाइटी क्यों होती। कुछ भी कहने से पहले एक बार समझिए कि आपकी बातों का क्या मतलब निकल सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा होती है हमारी सोसाइटी में, उनके साथ भी जिन्हें डिप्रेशन होता है उनको लोग उल्टा अपनी प्रॉब्लम सुनाने लग जाते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, तेरी तो लाइफ में हुआ ही क्या है, हुआ तो मेरे साथ था। सबकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। तो अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो हम कम से कम सुन सकते हैं ना, क्योंकि ये बोल पाना ही बहुत बहादुरी का काम है। आधे टाइम तो लोगों को ये चीज पता होती है कि वो ठीक नहीं है फिर भी वो डर से नहीं बोलते। तो अगर कोई बोल रहा है तो उसे ये मत कहिए कि सुनना यार कुछ और बात करते हैं, नहीं, अगर आपको उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो उस बारे में ना सोचे। उन्हें ये मत बोलिए कि तू मत सोच, ऐसा कुछ कीजिए कि वो ना सोचें। उनकी कंडीशन को इग्नोर कर देना हेल्प करना नहीं होता, उनकी बातों से परेशान आके उन्हें 10 दिन कॉल ना करना हेल्प करना नहीं होता। तो प्लीज एक होता है हेल्प करना और एक होता है चीजें बिगाड़ देना, वो मत कीजिए। उन्हें सुनिए, उन्हें ये मत बोलिए कि इस बारे में सोच मत, उन्हें बोलिए कि सुन तू मुझे बता तू क्या सोच रहा है, मुझे एक एक चीज बता, तुझे किस चीज का डर है, तुझे क्या लग रहा है इसका समाधान क्या है, फिर आप उन्हें बताइए इसका समाधान क्या है। बात कीजिए, और इसलिए बात मत कीजिए कि आपको उन्हें चुप कराना है, इसलिए बात कीजिए कि आपको उन्हें ठीक करना है। उनको सुनिए, एक तो ये सुनने वाली बड़ी प्रॉब्लम है, लोग आजकल सुनते भी रिप्लाई करने के लिए हैं। प्लीज जस्ट अगर आप उनकी कोई और मदद नहीं कर सकते हैं तो बस उन्हें सुनिए, ये भी बहुत बड़ी मदद है। और कॉन्स्टेंटली ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आप सच में किसी मानसिक बीमारी से परेशान इंसान की मदद करना चाहते हैं तो उनकी बीमारी के बारे में पढ़िए, ऑनलाइन जाइए, गूगल कीजिए, आपको बहुत आर्टिकल्स मिलेंगे, उस बीमारी के लक्षण समझिए, कारण समझिए, इलाज समझिए, और फिर अपने दोस्त को उसके बारे में बताइए। ये सबसे बड़ी हेल्प है जो आप उनकी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि जैसे आज का वीडियो अगर एंग्जाइटी पे है और आप जानते हैं कि सामने वाले को एंग्जाइटी है, तो इस वीडियो से आपने जो भी समझा वो उन्हें बताइए, ये होता है हेल्प करना। तो मतलब अच्छाई अच्छाई तभी कहलाती है जब उससे कुछ अच्छा ही हो। और अब बात मुझे उनसे करनी है जिन्हें खुद एंग्जाइटी है या फिर कोई भी मेंटल डिजीज है। मैं इन CBT वीडियोस के सिलसिले में कई साइकोलॉजिस्ट्स और साइकाइट्रिस्ट से मिली, तो उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे एक बड़ी अलग चीज़ बताई जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई थिंक मुझे आपको भी बताना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम इन्हें मानसिक बीमारियाँ क्यों कहते हैं, मतलब हाँ दिमागी बीमारियाँ भी कहते हैं पर मानसिक बीमारी ज़्यादा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीमारियाँ आपके दिमाग से ज़्यादा आपके मन को होती हैं। होता क्या है, आपके मन को जब कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती तो वो कोशिश करता है कि आपको बता सके कि देखो मुझे ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम लोग अपने दिमाग की सुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम मन की तो सुनते ही नहीं है। तो फिर मन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा नाराज, और जब मन बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है तब हमें होती है मानसिक बीमारियाँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में इंसान का हर चीज़ से इंटरेस्ट उठ जाता है, और उसका एक कारण है क्योंकि उस समय आपके मन को कोई खुशी नहीं मिल रही होती,
भले ही आपका जॉब खराब हो, आपके आसपास के लोग खराब हो, कारण कुछ भी हो सकता है, पर उस समय आपका मन आपसे ये बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे इससे निकालो। पर आपका दिमाग अगर आपको उसी चीज़ में अटकाए रखेगा तो धीरे धीरे आपका मन और नाराज़ और इतना नाराज़ हो जाएगा कि उसका फिर किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा, तो बस हो गया डिप्रेशन। और अब जैसे अगर हम OCD की बात करते हैं, तो OCD में भी यही होता है कि आपका मन इतना वेला हो जाता है कि उसके पास सच में कोई काम नहीं होता, और जब कोई काम नहीं होता तो आपके दिमाग में नई नई बातें आने लग जाती हैं, जो नियम दुनिया में ही नहीं है वो नियम आपका दिमाग बना लेता है। और OCD में यही तो होता है, हम खुद के बनाए हुए नियमों में इतना उलझ जाते हैं कि हम फिर जिन चीज़ों को एक्चुअली वक्त की ज़रूरत है उन्हें वक्त नहीं देते। और एंग्जाइटी एक ऐसी मानसिक बीमारी है, मुझे अभी भी याद है कि उन मतलब जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मुझे ये पूरी थ्योरी समझाई, उन्होंने मुझे कहा था कि एंग्जाइटी सबसे चैलेंजिंग बीमारी है, सबसे कॉमन बीमारी है, और अगर देखा जाए तो सबसे लाइफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि एंग्जाइटी सबको होती है किसी न किसी चीज़ की, पर जो लोग अपनी एंग्जाइटी को फेस करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं, वो लोग हमेशा पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा खुश निकल के आते हैं। और अगर आपको एंग्जाइटी या फिर कोई भी मेंटल डिजीज़ है, तो मैं जानती हूँ अभी इतना पॉजिटिव आउटलुक रखना शायद मुश्किल हो, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर बाकी ज़िंदगी पड़ी है आपके सामने, सब बेहतर हो जाएगा। खुद को वो मौका दीजिए कि आप खुश हो सकें। प्लीज़ ये मत समझिए कि आपकी मेंटल डिजीजेज आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इतने कमज़ोर नहीं हैं। और अब आपको पता है कि आपको अपनी CBT कैसे करनी है, प्लीज़ अपनी CBT करिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं भी दिखता है तो किसी मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद लीजिए, पर प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और चीज़ें बेहतर होंगी। बस अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखिए।